बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल मैथ एजुकेटर्स ऑफिशियल। बुक 10, चैप्टर नंबर 4, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका टॉपिक है आज हमारा प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मल्टीप्लाइंग टेक्निक ज़रा देखेंगे हम इसमें आज, जबकि पहले हमने इससे पिछली वीडियो में हमने सब्ट्रैक्शन देखा और उससे पहले हमने एडिशन की टेक्निक देखी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। ये दो एक्सप्रेशन है कॉमा से सेपरेट हो रहे हैं, देखते हैं पहले तो इन दो को किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। 3a² b³ c, और इसको अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2a⁴ b से, तो क्या बनेगा वो देख लेते हैं। माइनस प्लस माइनस, 3 × 2 = 6 a और a⁴। देखें जब बेसिस सेम होती हैं तो मैथमेटिक्स का रूल है कि पावर्स ऐड होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर a⁴ 6 हो जाएगा और b की यहाँ 3 पावर है और यहाँ 1 पावर है, तो b⁴ हो जाएगा और इसी तरह c आ जाएगा, ठीक है। ये एक मल्टीप्लिकेशन। और अब ये वाला जो थर्ड टर्म है इसको भी देख लें, 4a b⁴ c² इसकी भी मल्टीप्लिकेशन सेम इसी तरह होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अब वो नहीं लिखते हैं। 6 × 4 = 24, a⁴ यहाँ 6 है और यहाँ 1 है, सो कितने हो जाएंगे a⁴ 7, और b⁴ कितने हो जाएंगे 8। c को c से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक c हो जाएगा, यानी c क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल थी मल्टीप्लिकेशन की। तो अब इसी के एक्सरसाइज क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन में इसमें ये लिखा है कि रेडिकल a प्लस रेडिकल b, इसका प्रोडक्ट हो रहा है रेडिकल a b और b। अब इसका प्रोडक्ट कर लें, सेम तरीके का वही रहेगा, तो देखें किस तरह लिखा जाएगा। रेडिकल में a मौजूद है, इसके साथ प्रोडक्ट होगा ये आ जाएगा। इसी तरह माइनस a b है, सो पहले ये लिखा आपने और रेडिकल में a b लिख दिया। इसी के बाद प्लस है तो रेडिकल a और ये वाला b, ठीक है। अब इसी तरह इस b के साथ भी सारी टर्म्स लिख लें, प्लस का रेडिकल b और ये वाला a आ गया। इसी तरह प्लस माइनस माइनस लिखेंगे, सो रेडिकल b लिखेंगे और रेडिकल a b लिखेंगे, और उसके बाद इस b के साथ लिखें प्लस रेडिकल b और b। अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका देख लें। इसको इस तरह लिखें कि a रेडिकल a और ये माइनस का माइनस, सबको सेपरेटली लिख लें, यानी ये रेडिकल a है, ये रेडिकल b, इसी तरह ये रेडिकल a है, ये b है, सबको सेपरेटली लिख लें। रेडिकल a रेडिकल b प्लस का, जैसे कि b रेडिकल b, ठीक है। अब इसी तरह देखें इसको सिंप्लीफाई करें कि a रेडिकल से रेडिकल मल्टीप्लाई होगा, यानी इस तरह कर लें कि ये a के रेडिकल में जब लिखा जाएगा तो a² हो जाएगा, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाता है, तो ये सिर्फ a बचेगा और ये आएगा रेडिकल b में, और रेडिकल और b जो आएगा वो रेडिकल में ही आएगा। और इसी तरह रेडिकल a यहाँ b लिख लें पहले, और रेडिकल a, फिर उसी तरह a रेडिकल b ये वाला, फिर इसकी बात कर लें, सो ये भी इसी तरह सेपरेट हो जाएगा, यानी b एक बार लिख लिया, फिर रेडिकल a, फिर इसी तरीके से b रेडिकल b, ठीक है। ठीक है, अब इसी तरह देखें क्या a रेडिकल a कहीं और लिखा है, नहीं लिखा, तो ये तो इसी तरह सेम आ जाएगा। यहाँ देखें a बग़ैर रेडिकल के लिखा है और यहाँ रेडिकल b, और यहाँ और देखें a ये रहा बग़ैर रेडिकल के और रेडिकल b, ये वाली टर्म माइनस में और ये वाली प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह b रेडिकल a प्लस में और b रेडिकल a माइनस में, ये कैंसिल हो जाएंगे, सिंपली आपके पास बचेगा b रेडिकल b, यही आंसर है, ठीक है। अब इसी तरीके से इसका एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है एक्सरसाइज का, ये भी समझ लेते हैं।
इसको मल्टीप्लाई कर लें कि ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए पावर फोर ही बनेगा। अब इसके बाद देखें, अब ए स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई कराएं तो ये क्या बनेगा, प्लस प्लस, तो ये प्लस होगा। ए क्यूब बी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब ये मल्टीप्लाई कराएं सो ए क्यूब बी, इसी को इससे मल्टीप्लाई कराएं तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं तो ये बन जाएगा कि ए बी क्यूब, फिर प्लस के साथ बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी इसको भी आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही लिख सकते हैं, तरतीब से लिखें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसको भी इससे मल्टीप्लाई कराएं बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा, लिख लें चले, इसको पहले लिख लिया मैंने, सो बी क्यूब ए, और फिर प्लस के साथ बी पावर फोर, समझ रहे हैं। इसी तरह यहाँ देखें, ए पावर फोर वाली दूसरी टर्म नहीं जो कैंसिल हो सके, इसको आप लिख लें इसी तरह। अब देखें प्लस ए क्यूब बी है, यहाँ कहीं ए क्यूब बी नज़र आ रहा है तो वो ये रहा ए क्यूब बी, ये माइनस में है ये प्लस में, तो इन्हें कैंसिल कर देंगे। इसी तरह ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में है तो कहीं माइनस में नज़र आ रहा है तो वो ये रहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसे कैंसिल कर दें। इसी तरह ए माइनस ए बी क्यूब, इसी तरह प्लस ए बी क्यूब है, सो ये देखें माइनस ए बी क्यूब और प्लस ए बी क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह अब आप ये देखें, ये कैंसिल नहीं हो रहा, इसी तरह अगर आप देखें तो ये कैंसिल नहीं हो रही क्योंकि सिंगल टर्म बची है ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली, इसे लिख दें। इसी तरह प्लस का बी पावर फोर भी किसी से कैंसिल होता नज़र नहीं आ रहा, सो यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपने ये जो प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको समझा है, सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। हमने एक एग्ज़ाम्पल भी ली बुक से, और बुक्स की एक्सरसाइज से कोई दो क्वेश्चन भी उठाए रैंडमली, ताकि हमें अच्छी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ आ सके। आप लोगों से भी गुजारिश है कि दोस्तों के साथ शेयर करा करें, लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। हमें दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।